दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैर में काला धागा क्यों बांधा जाता है, इसको बांधने के नियम और फायदों के बारे में बात करेंगे। काला धागा पहनना आज के समय में फैशन हो गया है, छोटा बड़ा सब उम्र के लोग इसको पहनते हैं। आइए जानते हैं कि काले धागे को बांधने के नियम और इसके फायदे। हर काम को करने की कुछ न कुछ वजह होती है, इसलिए हम उस काम को करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा पहनने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन न करने पर कुछ बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ जाता है, इसलिए काला धागा बांधते समय इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। काले धागे को हमेशा नौ गांठ बांधने के बाद ही पहनना चाहिए। जिस हाथ या पैर में काला धागा बांधा हो उस रंग के किसी अन्य धागे को ना बांधें। काले धागे को केवल शुभ मुहूर्त में बांधना चाहिए। अगर आप शुभ समय में धागा नहीं पहन रहे हैं तो आप इसके लिए किसी ज्योतिष से संपर्क जरूर करें। काला रंग शनि ग्रह का होता है, इसलिए काला धागा पहनने से आपकी कुंडली में शनि दोष के ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाती है। इसे पहनने के बाद हर दिन गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। गायत्री मंत्र का पाठ करें, एक निश्चित समय पर ही करें। आप अपने घर के दरवाजे पर नींबू के साथ काला धागा बांध सकते हैं। इस तरह नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर सकती। जिन बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, काला धागा उनके शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। काले रंग में गर्मी को अवशोषित करने की शक्ति होती है, इस तरह यह नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए ढाल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये लोग को शनि दोष के नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। पैर में बांधने से आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। लोगों की बुरी नज़र से बचने के लिए काले धागे को हाथ पैर गले में पहना जाता है। आप लोगों की बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो काला धागा धारण करें और अपनी रक्षा जरूर करें। काले धागे को पैर में बांधने की परंपरा हमारे प्राचीन इतिहास से आती है। शास्त्रों के अनुसार काला रंग पहनने के कई फायदे हैं। पैर में काला धागा बांधने से जीवन में अद्भुत बदलाव आता है। जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उसके पैर में काला धागा बांधने का रिवाज है। इसे पहनने से बच्चों को बुरी नज़र से बचाया जा सकता है। अक्सर लोग काला धागा को फैशन के रूप में भी पहनते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर पहनते हैं। इसके पहनने के कई फायदे हैं। हालांकि सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए काला धागा पहनने पर कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता ज़रूर है। दोस्तों, क्या आप भी अपने हाथ या पैर में काला धागा पहनते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।